का आग्रह हो रहा था कि आपके चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं जो पार्टी को नुकसान होगा, और बार बार आग्रह कर रहे थे, और हमने अपनी बातों को फेसबुक के माध्यम से भी संगठन की जो कमियां थी उसको भी हम लोगों ने रखा, और आज भी उस पर हम कायम हैं कि संगठन के द्वारा जो भी सामाजिक कार्य करते हैं, चाहे रांची में हो या पूरे देश में हो, जब विचारधारा से जुड़े लोगों को पार्टी कार्य नहीं देगी, और अगर संगठन को बढ़ाने का अगर अवसर लोगों को नहीं दिया जाएगा तो वैसे विचारधारा वाले लोगों में नाराज़गी भी आएगी। कहीं ना कहीं हम लोग भी या हमारे जैसे ऐसे कई लोग हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, तो पार्टी में उन्हें भी दायित्व मिले, कार्य मिले, या बातें हमने रखी। लेकिन चूंकि कई ऐसे लोग हैं हमारे रिश्तेदारों के द्वारा लगातार इस प्रकार का आग्रह किया गया, और सीपी सिंह जी द्वारा भी बार बार आग्रह किया गया, हमने कहा भी, जो उन्होंने भी कहा कि आपको कोई पद या अन्य तरह का, तो हमने उसे नकार दिया कि मैं पद या किसी लालच या स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं हूँ, सामाजिक कार्यों में भी नहीं हूँ, तभी एक निर्दलीय के तौर पे भी लड़ने से इतने लोगों का सहयोग मिल रहा था। तो मैं तो माफ़ी चाहूँगा कि हम चुनाव में नामांकन वापस ले रहे हैं राष्ट्रहित के लिए, और विचारधारा को मजबूत बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमने निजी हित को छोड़कर संगठन हित को ध्यान में रखते हुए, विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हम नामांकन वापस लेने का फैसला किए। सिर्फ नामांकन वापस लीजिएगा या फिर कैडर के तौर पर सीपी सिंह के लिए रांची विधानसभा में, या फिर जो जिला रांची जिले की सीटों पर अगर जवाब दे ही देगी तो आप लोग चुनाव कैंपेन भी करेंगे? देखिए, अभी इस विषय में हम कोई फैसला नहीं लिए हैं, और आने वाले समय में देखेंगे हम क्या करना है। लेकिन कई ऐसे लोगों को लग रहा है कि मैं ही जीत की राह में रोड़ा हूँ, तो हम अपना बलि दे रहे हैं, हम अपना हित छोड़ करके हम संगठन हित के लिए कर रहे हैं। अब मेरे लिए पद और या राजनीति में कार्य करना ही बहुत बड़ा नहीं है, जनता के लिए हम किए हैं। अगर आने वाले समय में भी स्वयं से भी जनता के लिए दूर नहीं रहेंगे, और शिक्षा और स्वास्थ्य के दिशा में और प्रकृति को बचाने के लिए हम आने वाले समय में, चाहे हम किसी दल में रहें या किसी भी पद में रहें, हम रांची के लिए ज़रूर कुछ बदलाव लाने का हम प्रयास करेंगे, और आने वाले समय में यह दिखेगा। क्या दुखी मन से जैसे आपने नामांकन दाखिल किया, आपने जैसे कहा था कि जो उम्मीदें थी संगठन में मौका नहीं मिला चुनाव के लिए, तो नामांकन भी दुखी मन से आप वापस ले रहे लग रहा? दुखी तो ज़रूर हैं, क्योंकि जो अपने हित के लिए नहीं सोचता है, जो समाज में एक छवि बनाने में वर्षों लगता है, और काफ़ी वर्षों हम लगातार निस्वार्थ भाव से काम करके यह छवि बनाया, और आज वापस लेना पड़ रहा है, तो यह दुख की बात है। कहीं ना कहीं जनता के साथ सभी सवालों का हम जवाब नहीं दे पाएंगे, मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी हम समाज हित के लिए जीत का समीकरण। नामांकन आप लोग करते हैं लेकिन फिर नामांकन वापस ले लेते हैं, जनता के साथ कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा आप लोग खिलवाड़। जरूर जरूर, देखिए देखिए, मैं ये भी कहता हूँ कि जिस प्रकार से यह जो प्रक्रिया इस बार देखने को मिली, इससे पूर्व कभी भी नामांकन के बाद इस तरह की जो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे और हमें किसी प्रकार का भय नहीं था, लेकिन जब आप लड़ने जा रहे हैं और अपने लोग ही या जिससे लड़ाई है वही अगर सामने से आकर के लड़ने नहीं मिलने की बात कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो संस्कार है वो राष्ट्रहित हमेशा से व्यक्तिगत हित से ऊपर होता है, और मुनचुन भैया को अपनी क्षमता बताने की आवश्यकता नहीं है, यह पूरा रांची नहीं आधा झारखंड जानता है कि जब भी कोई घटना घटती है, हिंदू समाज पे कोई अत्याचार होता है, समाज के सबसे दबे कुचले व्यक्ति के साथ भी अगर अन्याय होता है तो ये व्यक्ति ढाल बन के उनके लिए खड़ा रहता है। लेकिन मैं फिर से कह जा रहा हूँ, व्यक्तिगत हित और राष्ट्रीय हित में अगर किसी को चुनना पड़े तो वही व्यक्ति चुन सकता है राष्ट्रीय हित, जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो और व्यक्तिगत अपना कोई भी भलाई नहीं चाहता हो। तो भैया ने जो
कदम उठाया है, हम लोग सब उनकी सराहना करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और जो है हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस बात को जो योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे जनधन तक पहुंचाने का काम किया है, और इस बात को धरातल पर राज्य पे अगर किसी ने पहुंचाने का काम किया है तो हमारे भैया मुनचुन भैया ने किया है। मुनचुन राय जी ने बटेंगे तो कटेंगे इसको, मुनचुन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, इसको समाज के सामने रखने का काम किया है। और याद रखिएगा, ये जो त्याग और तपस्या और जो बलिदान है यह खाली नहीं जाएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस गति से हम लोग मिल करके काम कर रहे थे उसके चौगने गति से राष्ट्रहित के लिए, सनातन धर्म को संगठित करने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, प्रकृति सुरक्षा के लिए, खासकर महिलाओं के सुरक्षा के लिए और विद्यार्थियों लोग के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग लड़ते आए थे, लड़ते रहे हैं और आने वाले समय में भी आजीवन लड़ते रहेंगे, यह संकल्प मैं लेता हूं और मुनचुन भैया का भी यही संकल्प है। देखिए, हाँ, ये बहुत सही प्रश्न किया आपने। नामांकन से पहले हम लोग, देखिए, नामांकन से पहले हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके और जो है बहुत सारे लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन जब हम लोगों ने धरातल पे समीकरण देखा तो समीकरण यह निकल के आया कि कुछ व्यक्तिगत लोग और कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी हम लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। ये बात होता है, देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। हम लोगों को समझ में आया और कि हम लोग, हो सकता है कि हमारे इस कदम से माननीय प्रधानमंत्री जी को नुकसान ना हो, तो यहाँ पर व्यक्तिगत हित छोड़ करके मैं पुनः बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय हित के लिए इन्होंने ये त्याग किया है और ये त्याग सराहनीय है। हम लोग अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि हम लोग सब मिल करके जो प्रयास किए और मुनचुन भैया ने हम लोगों का सर झुकने नहीं दिया और हम लोगों के सर के ऊपर आशीर्वाद रख करके और हमारा साथ दिया है। चुनाव लड़ते तो राष्ट्रीय हित के लिए काम नहीं करते क्या? देखिए भैया, एकदम, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है दो तीन चार लोगों से, और जो सामने में जिसको प्रतिद्वंदी स्वरूप ये देख रहे थे वो स्वयं अगर आकर के अपना हथियार डाल दे कि मैं स्वयं आपके सामने लड़ना नहीं चाहता तो हम लोग क्या केवल लड़ाई करते रहें? हम लोग आपस ही, देखिए, जो जी निकाल लेंगे सीट नहीं, देखिए सुनिए, अग्निवीर है जी, फिर माननीयों के लिए अग्निवीर का क्यों नहीं सीमा? नहीं, एकदम एकदम सही है। देखिए, जैसे कि मुनचुन भैया ने कहा कि हम लोग आजीवन इसी प्रकार लगे रहेंगे, पार्टी भी समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी समझ रही है और जानती है कि हम लोग जो है उनके साथ मिल करके जब और तीव्र गति से काम करेंगे तो पार्टी को ही लाभ होगा, तो इसलिए आने वाले समय में आपको एक अच्छा उत्तर मिलेगा। लग रहा है भैरव जी, भाजपा पार्टी था तो उस समय ध्यान नहीं था क्या चीज़? अगर हम लोग नॉमिनेशन करेंगे तो फिर हम लोग को बैठना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, उस समय तो संकल्पबद्ध होकर के इन्होंने नॉमिनेशन किया था, लेकिन जब परिवार में आपस में ही लड़ते रहे, क्या दो भाई में लड़ाई देखने के लिए पूरा समाज सामने खड़ा हो जाता है? जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो उनको लड़वाने के लिए पूरा समाज खड़ा हो जाता है, और जब उन लोग कंप्रोमाइज करने बैठते हैं कि नहीं हम लोग घर का बंटवारा होने नहीं देंगे तो समाज के आप ही ऐसे लोग आकर के और प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग दो भाई हैं अलग अलग लड़िए, घर को बांट दीजिए, घर को तोड़ दीजिए, बंटवारा कर लीजिए। हम लोग एकता में विश्वास रखते हैं, परिवार को एक सूत्र में जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में नहीं। परिवार के छोटे भाई को या बेटे को उसको भाजपा अच्छी खासी रकम दे रही है, एकदम, ये प्रश्न तो उठेगा ही, लेकिन उनको भी रकम मिला क्या? देखिए भैया, रकम का ऐसा है ना कि यहाँ झारखंड का बड़का बड़का नेता लोग जितना महंगा गाड़ी में नहीं चलता है ना, उसका 10 गुना महंगा गाड़ी में स्वयं चलते हैं। चंदा इनके पास लेने आता है लोग, इन लोगों के पास चंदा देने नहीं जाते हैं। आज भी देख लीजिए कि कौन आदमी कितना चंदा देता है और मुनचुन राय जी कितना चंदा देते हैं, तो पैसा का जब बात होता है ना तो अभी खरीद के रख लेंगे कई जन को, इतना क्षमता है हम लोगों में। अभी खड़ा खरीद लेंगे कई जन को हम लोग, तो मत बोलिए पैसा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, बीजेपी को क्यों विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, बीजेपी को पूर्ण विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भी विश्वास है, अपने कैडरों पर भी विश्वास है, और हम लोग शुरू से राष्ट्रहित के लिए हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ, बटेंगे तो कटेंगे, इस बात को चरितार्थ करने का काम मुनचुन भैया ने किया है, आप लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। मैं कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा और मैं तो राजनीतिक संन्यास की भी घोषणा करने का मेरा सोच था, लेकिन सभी साथियों ने कहा कि नहीं, अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। हम आज भी कहते हैं पार्टी से भी कि मुझे अभी इसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए, किसी दूसरे दल में जाने का कोई इरादा नहीं। अगर
अगर सिर्फ पार्टी को अगर हराने का मेरा इच्छा रहता तो हम दूसरे पार्टी में जा करके हम उसको सहयोग करते। और चूंकि मैं चुनाव लड़ रहा था तो कई लोग कह रहे थे कि इन्होंने हेमंत सोरेन जी से पैसा लिया है, अगर हेमंत सोरेन जी से पैसा लेते तो क्या हम यहाँ आते? और पूरे जीवन में जितना मेरी संपत्ति है उसका दुगना पैसा, जितना संपत्ति है उसका आधे से ज़्यादा पैसा हम सामाजिक और धार्मिक कार्यों में खर्च किए हैं। और सारा शहर जानता है कि हम पैसे के लिए कभी नहीं किए। अगर आप मेरा इनकम टैक्स रिटर्न जो अभी चुनाव आयोग में जमा है उसमें आप देखिए कि जब से हम राजनीति में आए हैं मेरा जो संपत्ति है प्रत्येक साल घटता रहा है। इसका जांच अगर ईडी इनकम टैक्स कोई भी कर ले, ना हम गलत पैसा से कमाते हैं तभी हम इतना हिम्मत किए थे चुनाव लड़ने का, और वापस भी ले रहे हैं तो किसी डर से नहीं, बस लोगों का आग्रह, जो संस्कार मिला है, जो सनातन संस्कार मिला है कि हम बड़ों की बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति में या सामाजिक कार्य के लिए दिया है उन लोगों को हम ना नहीं कह सकते। मेरे कई ऐसे साथी चाहे वह धार्मिक संगठनों से हैं, सभी लोगों का आग्रह था कि आप चूंकि निर्दलीय हैं और कहीं ना कहीं आपके इस कदम से जो योगी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनका कहना है कि बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमें आपस में बटना नहीं है, इसके लिए हम नहीं चाहते हैं कि रांची में जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे जनाधार बना हुआ है वह ख़त्म हो। इसके लिए हम अपना निजी एक तरह से कहिए कि अपना बलि देने का कार्य कर रहे हैं या अपना छवि हमने खराब, हम जानते हैं कि कई बातें आएंगी लेकिन हम सिर्फ राष्ट्रहित देख रहे हैं। अगर उसके लिए कोई हमें बदनाम भी करे तो हम इसकी चिंता, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बना रहे सब जाता है लेकिन किसी और को तो मिलना चाहिए था ना मौका, कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए अब जो समय है अब मैंने जब नामांकन किया तो अब पार्टी तो जो निर्णय ले चुकी है उसमें हम लोग साथ हैं, और जो पूर्व में संगठन के द्वारा कई गलतियां थी उसको हम लगातार उठाते भी रहे हैं, और आज भी हमने जब कोई भी हमको कहा कि आपको क्या चाहिए या आपकी क्या अपेक्षा है तो हमने सिरे से नकारा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे थे। और पार्टी में कुछ कमियां आती हैं, पार्टी के सभी लोग योगीनाथ की तरह या मोदी जी के विचारों के नहीं हो सकते, कई स्वार्थी तत्व भी पार्टी में रहते हैं जो पार्टी को कमज़ोर करते हैं। तो या जीत का समीकरण दिखाई नहीं दे रहा था मानचुन राय को अपनी इच्छा से या नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं या पार्टी का एक दबाव था जिसके कारण? ऐसा है ना, ऐसा है कि जब कोई चुनाव लड़ता है तो अगर जीत तो एक ही आदमी का होता है, हर कोई कंफर्म तो नहीं रहता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ता है। अब लड़ने के जो संसाधन की ज़रूरत है वह मेरे पास है, जनता का समर्थन भी था, लोगों का भी था। यह तो अभी 10 दिन अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई, अभी तो मेरा सिंबल भी नहीं मिला, अब कल के बाद से लोगों को लड़ाई का जो असली मुकाबला था वह दिखता। लेकिन चूंकि बार बार लगातार अब लोगों के द्वारा कहा जा रहा है तो बड़े लोगों की बातें और विचारधारा की भी बातें होते हैं, कहीं ना कहीं मन में मेरे यह था कि जो छवि हमारी बनी है जो सनातन एक संस्कृति के लिए कार्य करने वाले की, तो उसको कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, लोग बोलें कि राजनीति के कारण जो धार्मिक पहचान है उस वह खराब ना हो, इसके लिए हम वापस ले रहे हैं।